की वायर है, ये देखिए ये रही, और पंप का न्यूट्रल हमने यहाँ दे दिया है, और इसका हम ये जो पंप का ये वाला है वो हमारा ये पंप में चले जाएगा, यानी कि कूल में, जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा पास से। ये देखिए, ये पहले मैं इसको लगा दिया मैंने इसमें, ठीक है। ये लगाने के बाद अब ये देखिए, ये पहले कनेक्शन आप चेक कर लीजिए, ये यहाँ पे आ गया कूल वाला जो पंप का है वो कूल पंप में चला गया, कूल वाले में आ गया पंप का, ठीक है, पंप का जो लाइन वाला डायरेक्ट है, और बाकी हाई मीडियम लो स्पीड के लिए हो गया। और ये जो आप SW देख रहे हो ना, ये मैं थोड़ा आपको पास से दिखाता हूँ, ये देखिए ये जो SW आप देख रहे हो, ये दोस्तों स्विंग के लिए है। तो अभी हमारे पास स्विंग की मोटर नहीं है, लेकिन उसमें भी आपने क्या करना है, वो स्विंग का लेके यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है, और जो उसकी उसका जो न्यूट्रल होगा ना, और जो मेन वायर कूलर से आ रही है, उन दोनों का तार को जोड़ के आपको इसमें लगा लेना है। जैसे मैंने अभी ये कॉमन में लगा, आप ACL में लगा लेना दोनों को, जैसे हमने ये पंप वाली और मोटर का न्यूट्रल हमने यहाँ जोड़ा है, आप एक स्विंग का न्यूट्रल और जो मेन वायर आ रही है आपके बोर्ड में से उसका ब्लैक वाला न्यूट्रल।